10th, we will see the different experiments in a chapter, the same chapter, the study of compounds, the hydrogen chloride gas point, and we'll see these experiments. So the first experiment is about HCl gas is heavier than air. We have already discussed in the collection part, but now we'll see it experimentally. So I have taken one trough, and this trough is being empty. Basically it contains air, but we always say like that, no, it has an empty jar. It has been in this, I have put a candle which is already lighted, and I'm using this jar, gas jar, that is filled with dry HCl. You know, there is, it's heavier, it's not been escaped out from this glass jar. So we are using it, and this particular jo gas jar hai, it is filled with this gas. And one thing you have to keep it in mind, the HCl should be dry. I have already mentioned you, agar aap wet loge, it is already highly soluble in water. To aapko gas nahi milegi. वो आपको क्या मिलने लग जाएगा, एस सी एल एसिड होगा यहाँ पे. तो दैट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. सो दिस इज़ द बर्निंग कैंडल विच इज़ बीन यूज. नाउ व्हाट वी आर यूजिंग, द प्रोसीजर इज़ दैट ये जो एस सी एल गैस है, इसको आपने भाई जो अपना आपका गैस जार है उसको आपने ऊपर से रख दिया है ना, आपने उसको पोर्ड अप कर दिया है, और लोअर जार जो है जो बर्निंग कैंडल कर रहा है. अब क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा ध्यान देना है कि एस सी एल जो है वो हैवियर है ना, हैवियर है ये. धीरे धीरे वो क्या होने लगेगा, इट विल कम डाउन, वो इस ट्रॉफ में आने लग जाएगा. ठीक है, एस सी एल यहाँ आने लग जाएगा क्योंकि इट इज़ हैवियर देन एयर. और देखो, जब तक कैंडल यहाँ पे आपका जो है जल रहा है, जब तक ही एयर है, लेकिन जैसे जैसे एस सी एल आता जाएगा, एक टाइम आएगा ये कैंडल ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी, है ना. द बर्निंग कैंडल इज एग्जॉस्टेड नाउ, बिकॉज वॉट हैपन, यहाँ पे जो एयर थी वो एक तो फिनिश भी हो गई, और दूसरी चीज़ उसकी जगह किसने ऑक्यूपाइड कर लिया है, ड्राई एस सी एल. एंड एस सी एल इज़ नॉट अ गुड दिस थिंग, इट्स नॉट एट ऑल सपोर्टर ऑफ कम्बर्शन, दिस थिंग यू शुड अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये जो एस सी एल है वो नॉन कम्बस्टेबल होती है एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बर्शन होता है, ये अपने ध्यान देना. तो जैसे ही एस सी एल नीचे आएगी कंटेनर में, ये कैंडल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी, है ना. और ये नीचे जार में, अब नीचे जार में अब क्या आ जाएगा, पहले तो एयर थी, अब क्या आ जाएगा इसमें नीचे वाली जार में, जैसे ही आप इसको ऊपर रख दोगे तो ड्राई एस सी एल गैस आ जाएगी, लोअर पोर्शन में भी ड्राई एस सी एल. अब आप जज कैसे करोगे कि ये ड्राई एस सी एल है, भाई ये सब तो ट्रांसपेरेंट ही है ना, एयर भी ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट, कलरफुल होती तो चलो कुछ दिखता भी. तो अब ये जो एयर थी, पहली बात मैंने ये ना याद रखना कि इट इज़ नॉन कम्बस्टेबल एंड नॉन, मतलब एस सी एल इज़ नॉन कम्बस्टेबल एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बर्शन. ठीक है, और एयर जो है वो क्या होती है, सपोर्टर ऑफ कम्बर्शन होती है. ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना, कम्बर्शन है ऐसे. ठीक है, सो इट विल कम डाउन, जैसे ही इट विल कम डाउन, इट्स विल ऑटोमेटिकली योर कैंडल विल स्टॉप बर्निंग. तो ये बुझ जाएगी यहाँ पर. अब आप, मैंने ये बताया, आप जज कैसे करोगे, यहाँ पे तो अब क्या भर गया है, पहले ऊपर थी एस सी एल, अब यहाँ क्या आ गया है, ड्राई एस सी एल. ठीक है, अब एयर नहीं है यहाँ पर. आप जज करोगे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से, आप इसमें क्या कर दोगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालोगे. और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन देखो, पता है ना ये एसिड है, एसिडिक इन नेचर, एसिड बनाएगा बाद में. ब्लू लिटमस सॉल्यूशन आप जैसे डालोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस. अब ये तो पता ही होगा ना, एसिड बेस सॉल्ट पढ़ के आया, ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड. क्यों रेड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये एस सी एल कैसा है, एसिडिक इन नेचर है. ठीक है, इसीलिए वो क्या होगा, ब्लू से रेड लिटमस में कन्वर्ट हो गया. सो दिस इज़ द प्रोसीजर हाउ यू कैन सी. थ्योरेटिकल पार्ट आई एम शोइंग यू फ्रॉम यू बुक, यू कैन लर्न इट फ्रॉम योर बुक्स ऑल्सो. दिस इज़ द पोर्शन फ्रॉम द बुक आई हैव टुक. So whatever we have discussed has been written over here, and I have written important also. A diagram is been asked. ये diagram बनाने के लिए इसमें एक question आ चुका है board में. Now we'll see the second experiment, that is the fountain experiment, one of the very important experiment for your board examination. Diagram लो, objectives लो, question, पूरी theory लो, कुछ भी आ जाता है इसमें. Now this particular experiment is very important. It shows about the high solubility of HCl gas in water. ये तो हम पहले ही देख चुके हैं ना कि वो water में highly soluble होता है. One volume of water जो होता है करीबन
452 वॉल्यूम ऑफ आपका SCL को डिसॉल्व कर लेता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है कुछ भी, वो अपने आप ही डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है कि आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखना है कि एक फाउंटेन, इसमें मैं डायग्राम आपको दिखा देती हूँ, इस एक डायग्राम को अच्छे से समझ लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। बोर्ड्स के आप 10 ईयर्स उठा के देखोगे, डायग्राम बनाने को भी आ चुका है। नाउ दिस इज़ अ ट्रॉफ दैट इज़ बीन कंटेनिंग द ब्लू लिटमस सोल्यूशन। फिर मैं बता रही हूँ वाई वी आर यूजिंग ब्लू लिटमस सोल्यूशन, बिकॉज SCL इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये भी पता चलेगा कि वो एसिडिक है, तो वो भी हम इसको जज करेंगे। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, इसीलिए फाउंटेन देखा होगा ना आप, मार्केट जाते हैं तो यू हैव सीन द फाउंटेन पार्ट, है ना, फाउंटेन कैसे निकलता है। तो ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसको हमने इन्वर्टेड कर दिया है, मतलब उल्टा रख दिया है। इट इज़ बीन कनेक्टेड टू द ड्रॉपर, यहाँ पे आप रबर स्टॉपर लगा दीजिएगा, कॉर्क लगा दीजिएगा ताकि गैस बाहर ना निकले। वन थिंग इज़ दैट द कंटेनर शुड बी कनेक्टेड टू अ जेट ट्यूब, ये जेट ट्यूब होती है, इसको मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कैसे है। ये जेट ट्यूब ऐसी होती है भाई, मैंने बड़ा करके दिखाया, ये आगे एक नॉब, छोटी सी नॉब होती है। अब जब कोई भी चीज़ है ना हाई प्रेशर से ऊपर जाएगी तो ये जब बाहर निकलेगी तो एक फाउंटेन के फॉर्म में निकलेगी, है ना। अब इसमें बड़ा रंगीन कलर फाउंटेन मिलता है, वो हम देखेंगे। नाउ वी आर फोकसिंग बैक टूअर्ड द सेम डायग्राम। सो ड्रॉपर इज़ बीन देयर दैट इज़ फिल्ड विद वाटर, दिस इज़ राउंड बॉटम फ्लास्क, इट इज़ फिल्ड विद ड्राई SCL। अगेन आई एम टेलिंग यू प्लीज़ मेंटेन दिस थिंग, SCL शुड बी ड्राई, शुड नॉट कंटेन वाटर। अगर ये वाटर होगा ना इसमें तो यहाँ एसिड होगा और ये फाउंटेन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पानी का कनेक्शन आप नेचर से डाल रहे हैं। अब दिस इज़ बीन कनेक्टेड टू दिस जेट ट्यूब इज़ कनेक्टेड टू द ट्रॉफ दैट इज़ बीन फिल्ड विद द ब्लू लिटमस सोल्यूशन। ठीक है, अब पॉइंट क्या होता है, आप यहाँ से ये ड्रॉपर को दबाते हैं हाथ से। ठीक है, दबाएंगे पानी निकलेगा, वाटर जैसे ही निकलेगा दिस SCL गैस विच इज़ बीन फिल्ड इन दिस राउंड बॉटम फ्लास्क, इट विल डिजॉल्व इन वाटर। You are already aware of it that SCL is highly soluble in water. One volume of water dissolve how much? 452 volumes of SCL. तो ये आराम से dissolve हो जाएगा। अब जैसे ही dissolve होगा यहाँ पर, अब क्या कहानी होगी, you are first thing you are getting two things, that initially जो trough में जो blue litmus solution है वो blue color का है ना, ये litmus solution जैसे ही ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ तक अंदर तक तुम्हें ये पूरी चीज़ पता है ब्लू दिखेगी, यहाँ तक इस पॉइंट तक, ये सब मैं ब्लू पेन ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, ये आपको ब्लू दिखेगी यहाँ तक, यानी नीचे से ये सब ऊपर ब्लू दिखेगी। लेकिन जब ये बाहर निकलते हुए, बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट होता है, जब ये बाहर निकलता है तो इट्स गिव यू अ रेड दिस थिंग फाउंटेन इज़ बीन ऑब्टेन। ठीक है, तो रेड फाउंटेन आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। अब द पॉइंट इज़ दैट वाई वी आर गेटिंग दिस थिंग, इस एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया कि SCL इज़ हाईली सॉल्युबल वाटर। सेकेंड थिंग इज़ दैट इट दिस एक्सपेरिमेंट विल ऑल्सो टेल यू दैट SCL इज़ एसिडिक इन नेचर, है ना, क्योंकि ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट कर रहा है और एक्सपेरिमेंट का नाम भी फाउंटेन है। ये तो एक प्रोसीजर था, ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी नहीं है, इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। ये पानी कुछ मशीन नहीं लगी है, कोई पंप नहीं लगा हुआ है, तब ये जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन ऊपर कैसे आ रहा है, कुछ तो बात है, दैट्स वाई, है ना। पॉइंट इज़ दैट SCL वॉज वेन यू वर एडिंग वाटर टू इट, SCL डिजॉल्व इन द वाटर, एज यू नो वाटर, दिस SCL वॉज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सो एज इट वॉज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अ पार्शियल वैक्यूम वॉज क्रिएटेड इन दिस फ्लास्क, इस फ्लास्क में एक पार्शियल वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो गया है। अब उस कंडीशन से, वैक्यूम कंडीशन जनरेट होने की वजह से क्या हुआ, बाहर देखो हमेशा कंटेनर के प्रेशर होता है और अंदर भी प्रेशर होता है, ये बात तय है, सबको मालूम है। जो आउटसाइड प्रेशर है वो क्या है, वो हाई है कंपैरिजन टू प्रेशर दैट इज़ इनसाइड, क्यों, अंदर तो वैक्यूम, पार्शियल वैक्यूम कनेक्ट जनरेट हो गया है। ठीक है, और बाहर का प्रेशर जो है कंटेनर के बाहर, जो राउंड वाटर फ्लास्क के बाहर का एरिया का जो प्रेशर है वो क्या है, वो हाई है, जिसके वजह से क्या हुआ, अंदर वैक्यूम जनरेट है, बाहर का प्रेशर हाई है, उसके वजह से जो जहाँ ब्लू लिटमस सोल्यूशन था वो तेज़ी से ऊपर चढ़ेगा। देखो नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, कोई मशीन नहीं है, कुछ तो हुआ है जिससे पानी, तुमने पानी ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है पानी, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी लिक्विड पार्ट है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कुछ तो हुआ है। तो पॉइंट क्या हुआ, अंदर जैसे तुमने ये वाटर ड्रॉपलेट डाला इसमें, ये SCL हाईली सॉल्युबल इन वाटर था, वो इसमें ईजिली डिजॉल्व कर गई SCL पानी में, और अंदर क्या हो गया, पार्शियल वैक्यूम जनरेट हो गया फ्लास्क के अंदर, और बाहर क्या था, प्रेशर बहुत हाई था,
जिसके वजह से आपका जो सोल्यूशन था ब्लू लिटमस सोल्यूशन वो नीचे से सीधे ऊपर आ गया, ऊपर आया, और वो किस फॉर्म में निकला, एक फाउंटेन के फॉर्म में, जेट ट्यूब से बाहर निकल के वो एक रेड फाउंटेन के फॉर्म में आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। इस एक्सपेरिमेंट से आप दो बातें जान पाते हैं, पहली चीज़ है HCl इज़ हाईली सोलेबल इन वाटर, सेकेंड पॉइंट इज़ दैट HCl इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको इस एक्सपेरिमेंट से पता चलेंगे। There is a theory which I am showing you from your book also. If you don't have your books, if you have not yet purchased, you can see it from here, the theoretical part, whatever is it. So, इसमें जो observation part है बेटा, उसे बिल्कुल bookish language, observation inference को एकदम bookish language रट लेना, और ना diagram भी please learn it, because you can see the 10 years paper that many times this question has been asked. There are few question that has been asked from this case. Like this fountain experiment, it's been shown by some other gases also. तो कौन कौन सी ऐसी gases है HCl के अलावा जो ये शो करती हैं, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया। ठीक है, ये पूछा जा चुका है, तो ये दोनों याद कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम HCl, दीज टू गैसेज यू शुड नो, क्योंकि दो से ज़्यादा नहीं पूछते, होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम आपको हार्डली यही बता रहे हैं कि HCl तो एक हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैस, दीज थ्री एक्सपेरिमेंट्स, दीज थ्री गैसेज कैन बी दे ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, सो यू कैन सी दिस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। अमोनिया आपके कोर्स में, SO2 आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में आप कौन कौन सी कर सकते हैं। Now let's focus on one reaction that is very prominent in HCl gas, that is ammonia gas. ठीक है, जो combine करती है आपकी HCl gas के साथ, जो हमने पहले ही बताया है, it gives you ammonium chloride. ठीक है, ammonium chloride ये आपको देगा। ठीक है, ये later और condense हो जाती है, वैसे तो ये initially आपको dense white फ्यूम्स देता है, जो लेटर ऑन कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होके ये आपको सॉलिड NH4Cl देता है। ठीक है, सॉलिड NH4Cl देता है, दिस इज़ बीन देयर, एंड द पॉइंट इज़ दैट ना, कि भाई इनिशियली तो वो आपको डेंस वाइट फ्यूम देगा, बाद में ये आपको एक सॉलिड कंपाउंड दे देता है जो कि अमोनियम क्लोराइड होता है। सो दिस इज़ द रिएक्शन दैट इज़ बीन देयर इन योर कोर्स ऑफ दिस थिंग HCl गैस। इसके अलावा कोई इसमें रिएक्शंस नहीं है, और भी कोई चीज़ें जो कंबस्टिबिलिटी है, इंडिकेटर्स वगैरह का कोर नहीं है, इतना तो पीछे एक्सपेरिमेंट में आ ही चुका है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वी डू नॉट हैव इन HCl गैस, बट HCl एसिड हमारे कोर्स में है, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो द मैक्सिमम पोर्शन वी हैव कवर इन द HCl एसिड, सॉरी HCl गैस, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ गो थ्रू द लैब मेथड, रीजनिंग क्वेश्चंस, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट्स, एंड द एक्सपेरिमेंट विच वी हैव डिस्कस्ड दैट HCl वॉज हैवियर देन एयर, सो डायग्राम वॉज ऑल्सो आस्क्ड, and theoretical portion was also asked, this reaction also is important, please don't ignore it, anything can be asked from this thing, from this portion, theek hai, and when you are going through, so entire HCl gas portion is been completed, we have already covered each and everything in it, now we'll focus in my next video, I'll make sure that we'll focus on the HCl acid, hydrochloric acid, we'll discuss in the next video. Meanwhile, you learn all the things, learn things from your books also.